आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल के कुछ बेसिक फार्मूलाज जो कि डे टू डे लाइफ में अक्सर यूज़ होते हैं, जैसे एडिशन, सम करना, परसेंटेज, एवरेज निकालना। कुछ फार्मूलाज भी देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ बुक्स के लिंक्स दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से उस बुक को बाय करके उन्हें पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको एक्सेल में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे सामने एक डेटा है जो कि मार्कशीट है क्लास 10th की, जो मैं प्रिपेयर करने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं एक्सेल के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। अब ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स देख रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर शेप में है, इसे हम सेल कहते हैं। तो हर एक सेल का एक एड्रेस होता है, जैसे ये कॉलम है L और ये है रो 3, तो इस सेल का एड्रेस हो गया L3। जैसे अगर मैं ये रो सेलेक्ट करता हूँ, ये सेल सेलेक्ट करता हूँ, जैसे नेम, ये है C कॉलम में एंड रो है 4, तो इसे हम कहेंगे C4। तो हर एक सेल का एक एड्रेस होता है, और अगर एक से ज़्यादा सेल हम एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसे हम रेंज कहेंगे। जैसे मैं एक साथ 5 सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इसे मैं रेंज कहूँगा। तो चलिए मैं एक मार्कशीट प्रिपेयर कर लेता हूँ ताकि इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। तो पहले इसमें मैं बॉर्डर सेट कर लेता हूँ। ऑल बॉर्डर्स, मैं इसे जूम कर लेता हूँ ताकि ये आपको अच्छी तरह से विजिबल हो। जूम के लिए मैं व्यू पे जाऊँगा, व्यू, जूम टू सेलेक्शन। पहले मैंने सेलेक्ट कर लिया है मुझे कौन सा पोर्शन जूम करना है, जूम टू सेलेक्शन करते ही ये जूम हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये थोड़ा अच्छी तरह से अभी विजिबल है। तो ये हमारा डेटा है, मैं इसमें एक नाम भी दे देता हूँ, मर्ज टू सेंटर। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो गया मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। इसे फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ मैं इसका, अल्जीरियन, इसे मैं अल्जीरियन कर लेता हूँ, एंड साइज की मैं थोड़ी बढ़ा लेता हूँ। तो अब इसे बैकग्राउंड कलर भी डाल सकता हूँ, तो इसके लिए अब मैं एक, अब देखिए मैं इसे एक आउटसाइड बॉर्डर भी सेट कर लेता हूँ, ठीक आउटसाइड बॉर्डर, तो इससे कि हमारा डेटा थोड़ा अब क्लियरली विजिबल है। सभी के मार्क्स मैं अच्छी तरह से इंटर कर लेता हूँ ताकि एक्सप्लेन करने में सुविधा हो। तो देखिए ये हमारा डेटा क्रिएट हो गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे सम करना, जैसे कि ये कॉलम है टोटल के लिए, मुझे रोहित के इन 5 सब्जेक्ट का टोटल चाहिए। यहाँ पर सम करने के बहुत से मेथड हैं, तो सबसे पहले मैं आपको इजी मेथड ही दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं मुझे इन 5 का टोटल चाहिए, तो इन 5 का टोटल मुझे कहाँ चाहिए, मुझे इस कॉलम में चाहिए टोटल। तो मैं यहाँ पर लाकर माउस को रिलीज़ कर लूँगा। अब मुझे सिंपली ऑटो सम पे क्लिक करना है। आप यहाँ देख सकते हैं एक ऑटो सम ऑप्शन है, ऑटो सम में क्लिक करते हैं मुझे मेरा आंसर यहाँ मिल जाएगा। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए ये मेरा टोटल है, इन 5 सब्जेक्ट का टोटल। एक बार फिर से देखते हैं। अब मैं अर्जुन के ऑल सब्जेक्ट का मार्क्स देख लेता हूँ टोटल, तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल, इन 5 का टोटल मुझे चाहिए एक टोटल वाले कॉलम में। तो मैं सिंपली ऑटो सम पे क्लिक कर लूँगा, तो देखिए आ चुका है। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 5 लोगों का डेटा है, तो ये मेरे लिए बहुत ही इजी होगा टोटल निकालना। अगर मेरे पास बहुत ही बड़ा एक ह्यूज डेटा होता तो मुझे ऐड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मुझे जिस जिसका टोटल चाहिए मैं सारे रेंज को सेलेक्ट कर लूँगा, जैसे इंग्लिश 5 का, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल, मुझे इनका सम ये टोटल वाले कॉलम पर चाहिए। तो मैं यहाँ लाकर सिंपली ऑटो सम पर क्लिक कर दूँगा, तो देखिए ये मेरा टोटल आ चुका है। तो इस तरह से हम ऑटो सम के हेल्प से भी इसका टोटल निकाल सकते हैं। तो मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ,
तो देखिए मैंने यहाँ टोटल डिलीट कर दिया है। अब एक और मेथड है सम करने का, जिसे हम फार्मूला लगाकर यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल में फार्मूला ऑलवेज इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है, तो सम करने के लिए फार्मूला है इज इक्वल टू एस यू एम ब्रैकेट ओपन। देखिए मैं जो फार्मूला इंटर कर रहा हूँ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ मेरा फार्मूला विजिबल हो रहा है कि मैं कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो टोटल का फार्मूला है इज इक्वल टू एस यू एम, और मुझे जिस जिस सेल को ऐड करना है मैं उसे सेलेक्ट कर लूँगा, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल। सिंपली मुझे माउस को क्लिक करके ड्रैग करना है, और जहाँ तक मुझे टोटल करना है वहाँ लाकर मैं माउस को रिलीज़ कर लूँगा। तो देखिए मैंने रिलीज़ कर दिया है। अब सिंपली मुझे ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करना है, तो मैं ब्रैकेट क्लोज कर लेता हूँ। देखिए ये मेरा फार्मूला है, मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। ये सम इज इक्वल टू डी फाइव एच फाइव है, तो डी कॉलम डी रो फाइव कॉलम एच रो फाइव, ये इसको ऐड करने वाला है। अब सिंपली मैं इंटर करूँगा तो देख सकते हैं ये मेरा टोटल निकल गया। चलिए फिर से देखते हैं, अगर मैं अर्जुन के सभी मार्क्स को ऐड करता हूँ तो मुझे फार्मूला लगाना होगा इज इक्वल टू एस यू एम सम ब्रैकेट ओपन, और मुझे इन सभी मार्क्स को ऐड करना है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा और सिंपली मुझे ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर। देखिए इस तरह से मेरा ये ऐड हो रहा है, मतलब टोटल निकल रहा है। अब बाकी का मुझे निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली इसे ड्रैग करके भी निकाल सकता हूँ। मैंने यहाँ पर जो फार्मूला पुट किया है मेरा ये फार्मूला यहाँ पर विजिबल है। मैं चाहता हूँ यही फार्मूला इन पाँचों सेल पर अप्लाई हो। मेरा जो कर्सर है अब ये प्लस सिम्बॉल है बड़ा सा, जैसे मैं इसे क्लोज लेकर जाऊँगा देखिए ये छोटा सा एक प्लस आ रहा है, तो इस प्लस आते ही मुझे माउस को क्लिक करके सिंपली ड्रैग करना है नीचे की तरफ, और मुझे जहाँ तक का सम चाहिए मैं वहाँ लाकर माउस को रिलीज़ कर लूँगा। तो देख सकते हैं मेरा आंसर आ गया, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो देखिए मेरा ये दो तो मैंने निकाला फार्मूला लगाकर, अब मुझे इन कॉलम में भी यही फार्मूला अप्लाई करना है, तो मुझे सिंपली इस पर लेके जाना होगा। देखिए मेरा कर्सर बोल्ड था स्मॉल हो रहा है, बोल्ड है स्मॉल हो रहा है, तो सिंपली ये स्मॉल प्लस लाकर मुझे माउस को क्लिक करके ड्रैग करना है, मुझे जहाँ तक ये फार्मूला अप्लाई करना है, फिर मैं वहाँ पर सिंपली रिलीज़ कर लूँगा माउस को। तो देखिए इस तरह से हमारा फार्मूला अप्लाई हो रहा है सम करने के लिए। फार्मूला अप्लाई करने से हमें बहुत से हेल्प मिल सकती है, जैसे कि सपोज़ देखिए मैथ्स में अगर मैं कोई नंबर चेंज करता हूँ, जैसे 74 है, रोहित के मैथ्स में 74 है, इसे मैं डिलीट कर 90 कर लेता हूँ। देखिए जैसे मैं इंटर करूँगा ये टोटल में भी चेंजेस आएंगे, तो देखिए 360। तो हमें बार बार ये चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे जो जो चेंजेस करूँगा टोटल में वो चेंजेस होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मैंने फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। तो इस तरह से आपने सीखा हम टोटल किस तरह से कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट है परसेंटेज। परसेंटेज का फार्मूला होता है कि जितने मार्क्स आए हैं टोटल, जैसे इंग्लिश में 35 है आउट ऑफ 100, हिंदी में 85 है आउट ऑफ 100, तो 5 सब्जेक्ट है मतलब टोटल है 500, और मार्क्स आए कितने हैं 316। तो मैं फार्मूला इंटर कर लूँगा इज इक्वल टू मार्क्स कितने आए हैं 316, मतलब मैं टोटल में क्लिक कर लूँगा डिवाइड, ये स्लैश वाला जो सिंबल है ये डिवाइड का काम करता है, डिवाइड बाय 500, मतलब आउट ऑफ 100 करके था तो 5 सब्जेक्ट का हो गया 500, तो मैं 500 इंटर कर लूँगा। अब परसेंटेज हमेशा हम 100 से ही निकालते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग ये स्टार का यूज़ करेंगे, ये इंटू 100। तो देखिए हमारा फार्मूला है इज इक्वल टू टोटल मतलब मार्क्स जितने आए हैं डिवाइड बाय 500, 500 किस लिए, एक सब्जेक्ट के लिए 100 तो पांचों के लिए 500 इंटू 100। अब सिंपली मैं इंटर कर लूँगा तो देखिए हमारा परसेंटेज यहाँ निकल आया है। सिंपली अब अर्जुन का देखते हैं, अर्जुन के सभी मार्क्स का, तो फार्मूला है इज इक्वल टू मैं टोटल पे क्लिक करूँगा, टोटल डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई 100। अब मुझे इंटर करना है तो देखिए ये आ चुका है। अब जैसे मैंने दो का निकाल लिया या एक का निकालना है, तो मैं इसे इजीली ड्रैग करके ये सभी कॉलम में निकाल लूँगा,
तो सिंपली मुझे प्लस का सिंबल लाना है और मैं सिंपली इसे क्लिक करके ड्रैग कर लूँगा। देखिए इन सभी में आ गया है मुझे जिन जिन डेटा का परसेंटेज चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि हम परसेंटेज किस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा परसेंटेज। तो चलिए अभी एवरेज का देख लेते हैं, सभी सब्जेक्ट का टोटल बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। जैसे 5 सब्जेक्ट है तो मैं इनका टोटल करके डिवाइड बाय 5 कर लूँगा। पर इनका टोटल देखिए ऑलरेडी इधर किया हुआ है, तो सिंपली हम फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे एक फार्मूला है ऑटोसम के, यहाँ पर एवरेज बोलकर। तो चलिए देख लेते हैं हम एवरेज किस तरह निकाल सकते हैं। तो एवरेज का फार्मूला है इज इक्वल टू ए वी ई आर ए जी ई एवरेज ब्रैकेट ओपन। मुझे किस किस सब्जेक्ट का एवरेज चाहिए, जिससे मुझे रोहित के ये 5 सब्जेक्ट का चाहिए, तो मैं 5 को सेलेक्ट कर लूँगा। 5 का रेंज देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ मुझे दिखा रहा है D5H5, तो D5H5, डी कॉलम रो 5 और H कॉलम रो 5। सिंपली मुझे ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर। देखिए ये मेरा एवरेज आ चुका है। तो इस तरह से मैं एवरेज निकाल सकते हैं। चलिए फिर से और एक देख लेते हैं, अब अर्जुन का देख लेता हूँ मैं। इज इक्वल टू ए वी ई आर ए जी ई एवरेज, जो कि इसका फॉर्मूला है ब्रैकेट ओपन। अब मुझे जो जो डेटा का एवरेज चाहिए मैं उसे अपने रेंज में ला लूँगा। तो ये आ चुका है, तो सिंपली ब्रैकेट क्लोज और ये एंटर। देखिए इस तरह से मेरा एवरेज निकल रहा है। अब सिंपली मैं माउस इसमें लग के ड्रैग करके रिलीज करना है मुझे। तो देखिए इन सभी का एवरेज आ गया है। तो इस तरह से हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो इसमें आपने देखा कि हम किस तरह से टोटल सम निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। सपोज मुझे इन इंग्लिश के मार्क्स का भी टोटल निकालना है, तो मैं क्या करूँगा कि एक टोटल कॉलम बना लेता हूँ। टोटल मुझे यहाँ पर ये इंग्लिश के सभी मार्क्स का टोटल चाहिए, तो मैं क्या कर लूँगा, इज इक्वल टू एस यू एम ब्रैकेट ओपन। तो मैं डेटा सेलेक्ट कर लूँगा, मुझे जो जो चाहिए सम करना। ठीक है, सेलेक्ट हो चुका है D5 से D9, डी कॉलम 5 रो, डी कॉलम 9 रो, मतलब यहाँ तक। अब ब्रैकेट क्लोज और ये एंटर। देखिए इस तरह से मैंने इंग्लिश के पूरा का टोटल निकाल लिया है। अब मुझे इनका भी निकालना होगा, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, माउस को जो जो रेंज तक मैं इसे ड्रैग करता रहूँगा, मुझे वहाँ तक का टोटल मिल जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने निकाल लिया है, जो कि ये ग्रैंड टोटल है, तो मैं इसे बोल्ड कर लेता हूँ। तो इस तरह से देखा हमने ये फार्मूलाज। एक और फार्मूला है काउंट, जिसके मदद से आप देख सकते हैं कि मेरा ये फर्स्ट जो सेल है ये न्यूमेरिकल है, ये अल्फ़ाबेट है, फिर ये सारा न्यूमेरिकल है। तो काउंट के मदद से हम जान सकते हैं हमारा कितना जो डेटा है वो न्यूमेरिकल है और कितना अल्फ़ाबेट। तो जैसे मैं फार्मूला इंटर कर लूँगा, इज इक्वल टू सी ओ यू एन टी ब्रैकेट ओपन। तो देखिए सी ओ यू एन टी काउंट हमारा फार्मूला है, ब्रैकेट ओपन। अब मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा पूरा, अभी ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखिए हमारा दिखा रहा 9, मतलब जो 9 सेल है उसमें हमारा न्यूमेरिकल वाला डेटा है। वैसे तो है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से एक अल्फाबेट है इसलिए उसने 9 शो किया। सपोज 35 की जगह मैं कुछ और इंटर कर लेता हूँ, जैसे रोहित एस चेंज किया, तो देखिए ये 8 शो कर रहा है, मतलब ये अब अल्फ़ाबेट हो गया। 10 में से 2 अल्फ़ाबेट है, 8 न्यूमेरिकल है, तो ये सिर्फ न्यूमेरिकल का ही शो करेगा कितने कॉलम में हमारे न्यूमेरिकल है। तो मैं इसे फिर से ठीक कर लेता हूँ। तो इस तरह से देखा हमने काउंट का फॉर्मूला हम किस तरह लगाते हैं। अगर हमें चेक करना है कि हमारा कौन सा कॉलम एम्प्टी नहीं है, जैसे ये सभी कॉलम्स भरे हुए हैं, तो मुझे जानना है कि कितने कॉलम्स एम्प्टी नहीं है, तो इसके लिए भी एक फार्मूला है जो कि है काउंटा। इसका फार्मूला हम इंटर करेंगे, इज इक्वल टू सी ओ यू एन टी ए काउंटा ब्रैकेट ओपन। अब मैं सेलेक्ट कर लूँगा मुझे जहाँ से चेक करना है, तो देखिए मैं ये सेलेक्ट कर ले रहा हूँ।
तो ब्रैकेट क्लोज करना है, ब्रैकेट क्लोज और ये एंटर। आप देख सकते हैं 10, जैसे ये 10 सेल्स जो है ये भरे हुए हैं। अगर इसमें से कोई एक एम्प्टी होता तो यहाँ 9 दिखाता। सपोज मैं यहाँ पे एक एम्प्टी कर लेता हूँ, मैं ये डेटा डिलीट कर लेता हूँ, तो ये डिलीट हो गया। देखिए अब यहाँ पे 9 शो कर रहा है, क्योंकि देखिए ये ब्लैंक है। तो ये काउंटर फार्मूला जो है, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने कौन सा फार्मूला अप्लाई किया है। काउंटर फार्मूला हमें शो करता है हाउ मेनी सेल्स आर नॉट एम्प्टी, कितने सेल खाली नहीं है। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक फार्मूलाज, इस तरह से आप एक्सेल में फार्मूला एंटर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह से हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।